किसान आ जाता है शुक्ला जी के साथ, वहाँ पर एक हॉस्टल में जो रूम अलॉट हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ पर जब आता है तो शुक्ला जी से वो अपने मन की बातें शेयर करता है, वहाँ पर बताता है। यानी कि मेन बात यही निकल के आती है कि किसान को अपने कॉलेज टाइम याद आ रहा है कि जब वो हॉस्टल में रहता था। तो गाइस आप देखते हैं कि इतने सब के बाद जब ईशान शुक्ला जी से कहता है, क्योंकि उसे सडनली याद आता है, वो ख्यालों में खो गया, फिर एकदम से बोलता है, शुक्ला जी हम यहाँ क्या करने आए हैं। शुक्ला जी बताते हैं कि हम यहाँ पर इस रूम को व्यवस्थित करने आए हैं थोड़ा सा। तो ईशान बोलता है कि तो शुक्ला जी हम कर क्या रहे हैं, चलो जल्दी काम पे लग जाइए। तो फिर वो देखता है रूम की हालत और बताता है कि ये हमें जल्द से जल्द साफ़ करना पड़ेगा, कि यहाँ पर देखो टेबल की हालत कैसी हो रही है, ये गद्दा देखो, ये गद्दा ये कितना ये ख़राब हो रहा है, इसको बदलना पड़ेगा। यहाँ तक कि रूम में जितनी भी चीज़ें हैं सारी ठीक करनी पड़ेंगी। टेबल को देखो, यहाँ पर स्टडी कोई कैसे करेगा, ये तो पहले से ही ऐसी टूटी हुई सी लग रही है। तो इतनी सारी बातें बोलते हुए ईशान बोलता है कि शुक्ला जी जल्दी काम पे लगिए और जल्द से जल्द इसको ठीक कराइए। तो वहाँ पर ये होता है, फिर बोलता है कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सभी रहने वाली है और सभी के लिए मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा भी इंतज़ाम हो, सब कुछ अच्छा से इंतज़ाम हो जाना चाहिए। ये सब बातें वहाँ पर शुक्ला जी से वो कर रहा है और बोल देता है कि शुक्ला जी ये सब काम कितनी देर में हो जाएगा। तो वहाँ पर शुक्ला जी बोल देते हैं कि सर आप मुझे 1 घंटा दीजिए, 1 घंटे में मैं सब कुछ अरेंज कराता हूँ। तो ईशान ये सब बोल करके वहाँ से चला जाता है।